पॉकेट एफएम पर मैं हूँ नेहा आपके साथ और आपको सुनाने वाली हूँ इस कहानी का अगला चैप्टर 361। मानव वही उस वक्त आलोक के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, लेकिन यशिका बार बार उस आदमी को मानव से बचा रही थी। यहाँ तक कि यशिका सुपरस्टार आलोक कपूर को बचाने के लिए आलोक के सामने इस तरह खड़ी हुई कि मानव आलोक पर वार न कर पाए। इस बीच में मानव लगातार गुस्से से आलोक की तरफ देख रहा था। गुस्से से पागल मानव ने कई बार आलोक को यशिका को हाथ न लगाने की चेतावनी दी। बहुत बेहतरीन, ये कहकर मानव लगातार यशिका को घूर रहा था। यशिका गुस्से से मानव को देखती है। यशिका मानव के गुस्से की गर्माहट महसूस कर पा रही थी। मानव के गुस्से से निकल रही गर्माहट बिल्कुल वैसी थी जैसे कार के इंजन से निकलने वाली गर्मी। वो कार अचानक यशिका पैलेस वाले रास्ते की तरफ मुड़ गई। मानव का फेस एकदम मुरझा गया। मानव यशिका को लेकर इस पैलेस के अंदर चला गया। यशिका ने मानव की बाहों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मानव ने यशिका की कोशिशें कामयाब नहीं होने दी। मानव ने बहुत ज्यादा ताकत लगाकर यशिका को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। यशिका ने अपनी नजरें उठाई और मानव के गुस्सेल और हटी फेस को देखने लगी। मानव के फेस पर उसे गुस्से के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। जैसे ही मानव मास्टर बेडरूम की तरफ जाने लगा, रास्ते में मिलने वाली सारी नौकरानियां मानव का वो गुस्सेल चेहरा देखकर डर कर एक तरफ हट गई। वो नौकरानियां इतनी अनुभवी तो थी ही कि वो किसी का भी व्यवहार और उसका फेस पढ़ सकती थी। जब उन लोगों ने देखा कि उनके छोटे साहब के हाव भाव कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे थे, वो सभी नौकरानियां मानव को रास्ता देते हुए पीछे हट गईं। उन्हें डर था कि कहीं वो मानव का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा न दे। मानव यशिका को मास्टर बेडरूम वाले बाथरूम के अंदर ले गया और फिर उसने उसे बाथटब में रखा। यशिका का शरीर तुरंत ही उस गर्म पानी में डूब गया। वो बाथटब सचमुच बहुत बड़ा था। उसकी गहराई लगभग 1 मीटर थी, चौड़ाई 3 मीटर और लंबाई 5 मीटर। मानव ने कुछ पल पहले ही यशिका को उस बाथटब में रखा था, लेकिन थोड़ी ही देर में बाथटब का पानी यशिका के सर तक पहुंच गया। यशिका के बाथटब में आते ही वो हल्का गुनगुना पानी यशिका के नाक और होठों और दांतों के बीच की दरारों में बहने लगा। मानव की इस हरकत से यशिका हैरान हो गई। यशिका के मुंह तक पानी भर गया, इसलिए उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मानव चुपचाप वहां खड़ा होकर यशिका को जोर जोर से सांस लेते हुए देखने लगा। उसने देखा यशिका किस तरह सर से पांव तक पानी में डूब गई है। यशिका ने अभी भी वही कपड़े पहने थे जो कपड़े उसने फिल्म सेट पर पहने थे। यशिका ने अभी एक व्हाइट शर्ट और ब्लू स्कर्ट पहन रखी थी। यशिका के सारे कपड़े अब गीले हो गए थे, इसीलिए उन गीले कपड़ों में यशिका का दुबला पतला फिगर उभर कर दिखाई देने लगा। क्योंकि यशिका ने अभी एक व्हाइट शर्ट पहन रखी थी जो पूरी तरह से भीग गई थी, इसीलिए उसमें से यशिका का धुंधला शरीर दिखाई देने लगा। यशिका की अंदरूनी खूबसूरती अब निखर कर ऊपर आई, लेकिन अभी यशिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही थी। यशिका को समझ नहीं आया कि अब उसे क्या करना चाहिए। यशिका के फेस पर गुस्से और शर्म के हाव भाव थे। यशिका मानव की तरफ गुस्से से घूर कर देखने लगी। यशिका की पलकें पूरी ठंडी पड़ गई थी। यशिका की हालत देखकर मानव को थोड़ा दर्द हुआ, पता नहीं क्यों, लेकिन मानव को गले लगाने की इच्छा हो गई। मानव की सुंदर आंखें यशिका के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। जैसे ही मानव की नजरें यशिका के गोरे पैरों पर पड़ी, मानव की आंखों में प्यार के हाव भाव आ गए। लेकिन अगले ही पल उसे फिर वही नजारा याद आ गया। जैसे ही मानव ने यशिका के होंठ, कमर और शरीर के बारे में सोचा, इस सब को भी आलोक कपूर ने छुआ होगा। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। मानव की गुस्से से सुलगती हुई आंखें बिल्कुल किसी तेज धार चाकू के समान थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानव अपने गुस्से आंखों से ही यशिका के शरीर को चीर देगा। मानव ने गुस्से से यशिका से कहा, अपने आप को पूरी तरह से साफ कर लो। अपने शरीर की हर उस जगह को साफ करो जहां उस आलोक ने तुम्हें छुआ है। अपनी बात खत्म करते ही मानव ने जोर से बाथरूम का दरवाजा पटका और बाहर आ गया। मानव ने इतनी जोर से बाथरूम का दरवाजा पटका कि इस झटके से पूरा बाथरूम हिल गया। इसमें कोई शक नहीं था कि मानव की उन गुस्सेल नजरों सचमुच यशिका को बहुत दुख पहुंचाया। क्या मानव यशिका की गंदगी से नफरत करता था? क्या मानव इस बात से नफरत करता था कि यशिका को किसी और आदमी ने भी हाथ लगाया है? मानव ने तो बड़ी आसानी से यशिका को खुद को साफ करने को कहा, लेकिन मानव का क्या? क्या मानव भी अपने शरीर के हर उस हिस्से को साफ करेगा जहां जहां शिखा ने उसे हाथ लगाया?
मानव चाहता था कि यक्षिका अपने शरीर को पूरी तरह से साफ करे। ठीक है, यक्षिका मानव की इच्छा पूरी करेगी। मानव 50 बार की तरफ गया और उसने शराब की एक बोतल उठाई। मानव ने एक घूंट शराब पी और शराब की खुशबू उसकी नाक तक पहुंच गई। मानव ने खुद को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो यक्षिका के बारे में इतना ना सोचे, लेकिन मानव अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाया। मानव ने जोर से शराब का ग्लास जमीन पर पटक दिया। जैसे उसे पटकने से उसका गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी मानव का गुस्सा जैसा का तैसा ही रहा। एक ही झटके में मानव ने टेबल पर रखी सारी शराब की बोतलों को जमीन पर फेंक दिया। पूरे कमरे में तबाही मच गई। एक कांपती हुई नौकरानी जल्दी से बार में आई और उसने जल्दी जल्दी जमीन पर पड़े सारे कांच के टुकड़े साफ किए। मानव पूरे एक घंटे से सोफे पर आराम करता रहा, लेकिन उसने यक्षिका को बाथरूम से निकलते नहीं देखा। मानव के मन में अचानक से ख्याल आया और उसका दिल तेजी से धड़का। तुरंत सोफे से उठकर मानव बाथरूम की तरफ चला गया। जैसे ही मानव ने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसने देखा कि यक्षिका का पूरा शरीर बाथटब में डूबा था। मानव ने बाथटब के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की और उसने पाया कि यक्षिका का पूरा शरीर साबुन के बुलबुले और झाग के नीचे छिपा हुआ है। ये देखकर कि यक्षिका बिल्कुल ठीक थी, मानव ने चैन की सांस ली, लेकिन उसका फेस एकदम कठोर हो गया। अपना मुरझाया हुआ फेस लेकर मानव यक्षिका के पास आया। क्या तुमने खुद को ठीक से साफ किया, मानव ने यक्षिका से पूछा। यक्षिका ने मानव की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो लगातार अपने सर को झुकाकर अपने शरीर को रगड़ रही थी। यक्षिका का फेस बहुत ही भद्दा दिखाई दे रहा था। कोई भी नहीं जानता था कि यक्षिका कितनी देर से अपने शरीर के हिस्से को रगड़ रही है, लेकिन जितनी ताकत लगाकर वो ये काम कर रही थी, उसे तो ऐसा ही लग रहा था जैसे यक्षिका अपनी स्किन की एक परत को ही अपने शरीर से अलग करने में लगी थी। मानव का ये सवाल सुनकर यक्षिका ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने मानव का सवाल सुना ही नहीं। ये तो बिल्कुल साफ था कि यक्षिका को मानव पर बहुत गुस्सा था। ये बिल्कुल साफ था कि यक्षिका दिल से मानव से नफरत करने लगी थी। अपने फेस पर गंभीर हाव भाव लाकर मानव नीचे झुका और उसने साबुन के बुलबुले की एक परत यक्षिका के शरीर पर से हटाई, जो उसने देखा कि उसे देखकर तो उसकी आंखें हैरान हो गईं। यक्षिका की त्वचा जो पहले दूध के समान गोरी थी, अब एकदम लाल हो गई। लेकिन यक्षिका ने अभी भी अपने शरीर को रगड़ना जारी रखा, जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा हो। यक्षिका के शरीर के कुछ हिस्से बहुत नाजुक थे, उन पर तो खून के कुछ छींटे भी साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि यक्षिका लगातार अपने शरीर को रब कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, क्या किया मानव ने, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना पॉकेट FM विद मी नेहा। पॉकेट FM पर आप हैं अपनी नेहा के साथ और इस कहानी का अगला चैप्टर 362 स्टार्ट करते हैं। हे भगवान, यक्षिका ये सब क्या कर रही थी? यक्षिका अपने शरीर को इतनी जोर जोर से क्यों रगड़ रही थी? क्या उसे बिल्कुल दर्द नहीं महसूस हो रहा था? यक्षिका का शरीर बहुत नाजुक था। हल्की सी चिमटी लेने पर ही यक्षिका के शरीर पर ना मिटने वाला लाल निशान बन जाता था। मानव यक्षिका के शरीर को रौंदना नहीं चाहता था, तो यक्षिका ये सब क्यों कर रही थी? वो खुद को इतना दुख क्यों पहुंचा रही थी? क्या यक्षिका ये सब करके मानव को और गुस्सा दिलाना चाहती थी? क्या यक्षिका इस तरह से मानव से बदला लेना चाहती थी? ये देखकर मानव के दिल में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। मानव जल्दी से यक्षिका के पास आया और यक्षिका के हाथ से उस टॉवल को लेने की कोशिश करने लगा, जो यक्षिका ने भी पकड़ रखा था। मानव ने गुस्से से यक्षिका से कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? यक्षिका ने जोर से मानव का हाथ झटका और गुस्से से मानव को देखा। यक्षिका के फेस पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब मैंने कौन सी गलती कर दी, यक्षिका ने गुस्से से मानव से पूछा। जब यक्षिका ने गुस्से से वो गीला टॉवल जो साबुन के बुलबुले से भरा था मानव के हाथ में फेंका, तो मानव को और ज्यादा गुस्सा आया। जैसे ही यक्षिका ने वो टॉवल मानव की तरफ फेंका, साबुन के बुलबुले हवा में उड़ते हुए मानव के फेस पर जाकर बैठ गए। अभी जिन आंखों से यक्षिका मानव को देख रही थी वो एकदम लाल थी। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं खुद को पूरी तरह से साफ कर लूं? अब मैंने क्या गलती कर दी? मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा गंदा शरीर बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इसे साफ कर रही हूँ। मैं जितनी ताकत लगाकर अपने शरीर को साफ कर सकती हूँ कर रही हूँ, यक्षिका ने गुस्से से मानव से कहा। अपनी बात साफ साफ कहो, मानव ने जोर से यक्षिका की कलाई पकड़ी और उससे कहा।
मैंने तुम्हें खुद को इतना दुख पहुंचाने के लिए कभी नहीं कहा। इसके जवाब में यशिका जोर जोर से हंसने लगी। उसने मानव को जवाब दिया, मैं अपने आप को दुख नहीं पहुंचा रही हूँ, बस बात इतनी सी है कि अगर मैं अपने शरीर को इस तरह से नहीं धोऊंगी तो मेरा शरीर साफ नहीं होगा। यशिका के मुंह से निकलने वाले हरेक शब्द से मानव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मानव ने यशिका को चेतावनी दी कि वो उसे और ज्यादा गुस्सा ना दिलाए, लेकिन मानव का क्या? क्या मानव का कहा हुआ हरेक शब्द यशिका को शर्म, दर्द और गुस्सा महसूस नहीं करवा रहा था? मानव के शरीर के वो हिस्से जिन्हें शिखा ने छुआ होगा, यशिका को भी मानव के शरीर के वो हिस्से बहुत ही गंदे लगे, तो क्या मानव उन्हें साफ करता? यशिका ने अपने शरीर पर थोड़ी और साबुन लगाई और जोर जोर से हंसने लगी। लिक्विड सोप की जो बोतल पहले ऊपर तक भरी थी अब पूरी खाली हो चुकी थी, क्योंकि मानव यशिका का साफ सुथरा शरीर चाहता था, इसीलिए यशिका खुद को साफ करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। मानव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस वक्त तो उसे अपने गुस्से पर काबू करना था। मानव ने एक टॉवल उठाया और यशिका के शरीर पर लगे दाग को साफ करने लगा, लेकिन इसके बदले में यशिका ने गुस्से से मानव को धक्का दिया और उससे कहा, मुझे हाथ मत लगाओ। यशिका की गुस्से आंखों से नजरें मिलाते ही मानव के हाव भाव जम गए। यशिका ने एक बार फिर गुस्से से मानव से कहा, मुझे हाथ मत लगाना, तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगती ना कि मैं किसी दूसरे आदमी के हाथ लगाने से गंदी हो गई हूँ, है ना? मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम्हें भी किसी और औरत ने छुआ है, यशिका ने मानव से कहा। यशिका ने गुस्से से मानव के हाथ से वो टॉवल छीना और उससे कहा, मुझे हाथ लगाने से पहले ये बात ध्यान रखना कि तुमने भी अपने शरीर को ठीक से साफ कर लिया हो, तुम्हें साफ सफाई बहुत पसंद है ना, तो फिर मुझे साफ सफाई कैसे पसंद नहीं होगी? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मानव ने गुस्से से यशिका से पूछा। कुछ नहीं, यशिका ने कहा। मानव और यशिका दोनों के फेस पर एक समान गुस्सा दिखाई दे रहा था। अपने लंबे हाथों से मानव ने जोर से यशिका के कंधे पकड़े ताकि यशिका मानव के गुस्सेल फेस को देख पाए। फिर उसने यशिका से कहा, बोलो तुमने अभी अभी जो कहा उन शब्दों का मतलब क्या है? उन शब्दों का मतलब इसके अलावा कुछ नहीं है कि मुझे भी लगता है तुम भी बहुत गंदे हो, यशिका ने गुस्से से मानव को देखकर कहा। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए प्लीज यहाँ से बाहर निकलो, यशिका ने गुस्से से मानव से कहा। क्या तुम मुझे नहीं बताओगी तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मानव ने एक बार फिर गुस्से से यशिका से कहा। यशिका ने मानव की मौजूदगी को इग्नोर किया और लगातार अपने शरीर को रगड़ती रही। अब आखिर में मानव ने अपना आपा खो दिया। यशिका को अपनी बाहों में खींचकर मानव ने बाथटब की पूरी झाग बाहर निकाली और जल्दी से शावर चालू कर दिया और यशिका के शरीर को साफ किया। इस बीच यशिका ने जोर से मानव को धक्का दिया जिसके कारण वो पूरा भीग गया। मानव उनमें से नहीं था जो यशिका के गुस्सा करने पर उसे जाने देता, इसलिए मानव ने अपने एक हाथ से यशिका की दोनों कलाइयां पकड़ी और उसे बाथटब के नीचे वाले हिस्से की तरफ जोर से दबाया। इस तरह से यशिका ने मानव से लड़ने की पूरी ताकत खो दी। बाथटब का पूरा पानी ओवरफ्लो होकर बाहर निकल गया और थोड़ी ही देर में फिर से साफ पानी उस बाथटब में भर गया। अब यशिका ये अच्छी तरह से जान गई थी कि वो मानव से लड़ झगड़ कर वहां से नहीं निकल सकती थी, इसीलिए यशिका ने अपनी हार मानी और आराम से मानव को अपने शरीर को साफ करने दिया। मानव ने अपना सर झुकाया, यशिका के फेस पर वो हटी और गुस्सेल हाव भाव देखे। यशिका की आंखें एकदम नम थी और उसके सुंदर गुलाबी होंठ अब लाल हो चुके थे। कई बार तो मानव ने यशिका को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगाई जिसके कारण उसे दर्द भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद यशिका अपने मुंह से एक आह तक नहीं निकाल रही थी। यशिका जानबूझ के अपने दर्द को दबा रही थी। यशिका की हालत अब किसी घायल जानवर के समान थी, लेकिन सच बात तो ये थी कि उसे इस बात का ख्याल रखना था कि अभी वो कहाँ थी और वो जहाँ थी उस जगह का मालिक कौन था। यशिका को इतने गुस्से में देखकर मानव बहुत दुखी हो गया। यशिका के गालों को जोर से चिमटते हुए मानव ने उससे पूछा, क्या तुम नाराज हो? यशिका ने तो मानव को जैसे हवा ही समझ लिया। उसने मानव की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया। यशिका ने जोर से अपने होंठ बंद किए। मानव के लगातार कई सवाल करने के बाद भी यशिका ने मानव से एक शब्द नहीं कहा। क्या ये मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है? मानव ने मन ही मन सोचा। मानव गुस्से से यशिका को देखने लगा। वो देखना चाहता था कि यशिका कब तक अपनी बेइज्जती सुनकर चुप रहने वाली थी। यशिका ने जोर से अपनी आंखें बंद की कि अचानक से
अपने शरीर के कुछ हिस्से में उसे अजीब सा महसूस हुआ। यशिका ने हैरान होकर अपनी आंखें खोली और पाया कि उसका शरीर अचानक से सिकुड़ने लगा। मानव यशिका को अपने से दूर जाने नहीं देने वाला था। उसने आसानी से यशिका को अपनी बाहों में भर लिया। यशिका की आंखें आग की लपटों के समान लाल थी। वो लगातार गुस्से से मानव को देख रही थी। मानव ने अपने हाथ से यशिका के कंधे को जोर से पकड़ा और अब वो पूरी तरह से उसके ऊपर आ गया। मानव की इस हरकत के कारण यशिका चुपचाप एक जगह पर लेटने के लिए मजबूर हो गई। उन दोनों के शरीर के बीच इतनी जगह नहीं थी कि यशिका खुद को मानव की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना पॉकेट एफएम विद मी नेहा। आपके अपने पॉकेट एफएम पर मैं हूं नेहा आपके साथ। आपको सुना रही हूं इस कहानी का अगला चैप्टर 363। यशिका ने देखा मानव अपनी शर्ट उतार रहा है, फिर वो अपना गर्म और भारी शरीर उसे दबाने की कोशिश करने लगा। फिर मानव ने अपने होंठ यशिका के होंठों पर रखे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यशिका मानव से दूर रहने के कितने भी तरीके क्यों नहीं ढूंढ लेती। मानव हर बार उन तरीकों का कोई ना कोई हल निकाल ही लेता था। शार से लगातार गर्म पानी बाथटब में आ रहा था, जिसके कारण वो दोनों पूरी तरह से बाथटब में डूब गए। मानव ने जोर से अपने होंठ यशिका के होंठों पर रखे। पहले तो यशिका ने खुद को मानव की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिशें करने के बाद भी यशिका कुछ नहीं कर पाई। मानव वहां यशिका को टॉर्चर करने आया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यशिका अपने अंदर उठ रहे उस दर्द को सहन नहीं कर पाई और बीच में ही उसने जोर से कराहते हुए कहा, मानव बजाज। यशिका पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसने रोती हुई आवाज में मानव से उसे छोड़ देने को कहा। यशिका ने मानव के शोल्डर्स को धक्का देने के लिए अपने हाथ आगे किए, लेकिन मानव ने अपने एक हाथ से यशिका के दोनों हाथ पकड़ लिए। अपना सर झुकाकर मानव यशिका के सुंदर हाथों को धीरे धीरे किस करने लगा। अब मानव की हरकतें बहुत ज्यादा कठोर नहीं थी, इससे बिल्कुल अलग अब वो बहुत प्यार से यशिका से पेश आने लगा। मानव यशिका को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर ले गया। अभी मानव जिस बड़े से बेडरूम में खड़ा था वो सिर्फ मानव की जायदाद थी। आज वो रात आ गई जब मानव फिर से यशिका के करीब जाना चाहता था। मानव को याद नहीं था कि उसने यशिका को पिछली बार कब छुआ था। जो उसे कुछ याद था वो बस ये था कि यशिका को बहुत याद कर रहा था वो कई दिनों से, और अपनी इच्छाओं को दबा रहा था। यशिका की हालत अब इतनी खराब थी कि वो बार बार बेहोश हो जा रही थी। इस बेहोशी की हालत में यशिका को कुछ समझ नहीं आया। यशिका के साथ हमबिस्तर होने के दौरान मानव का वही गुस्सेल अवतार फिर से वापस आ गया। मानव ने यशिका के गर्दन होंठ गालों को चूमा और कहा, ये सब मेरे हैं। इसके बाद मानव ने यशिका के हाथों उंगलियों कमर और पेट को भी चूमकर यही कहा, ये सब भी मेरे ही हैं। यशिका के साथ हमबिस्तर होने के बाद मानव ने यशिका के हर हिस्से को किस किया। तुम्हारे शरीर का हर एक इंच सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मानव की हरकतों से तो ऐसा लग रहा था जैसे मानव यशिका के शरीर के हर हिस्से पर अपना नाम लिख देना चाहता हो। यशिका वर्मा, तुम्हारे शरीर का हर एक हिस्सा सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है, मानव ने गुस्से से यशिका को देखते हुए कहा। मानव की बात सुनकर यशिका जोर जोर से रोने लगी। तो फिर तुम्हारा क्या, क्या तुम भी पूरी तरह से मेरे हो, यशिका ने मानव से ये सवाल पूछा। यशिका की बात सुनते ही मानव ने अपनी सारी हरकतें रोक दी और बिस्तर पर पड़ी उस औरत को देखने लगा जो अभी जोर जोर से रो रही थी। क्या ये मेरा है, यशिका ने मानव के होंठों को छूकर उससे पूछा। और हाँ, क्या ये भी मेरा है, यशिका ने मानव के सीने को छूकर उससे पूछा। क्या तुमने ये सारी बातें शिखा बजाज से भी कही, क्या तुमने उसे भी इस तरह से किस किया जिस तरह से तुम मुझे करते हो। अगर मैं तुम्हारी औरत हूँ तो फिर शिखा बजाज तुम्हारी कौन है, यशिका ने गुस्से से मानव से पूछा। अगर ईमानदारी से कहा जाए तो मानव ने ये कैसे सोच लिया कि सिर्फ उसे ही जलन हो सकती है। क्या मानव के शिखा के करीब रहने से यशिका को जलन नहीं हो सकती थी। आलोक कपूर और यशिका को करीब देखकर मानव को बहुत जलन हुई, और ये सोचकर कि मानव शिखा बजाज के करीब गया होगा, बिल्कुल वैसी ही जलन यशिका को भी हो रही थी। यशिका मानव के साथ एक गलत रिश्ते में फंस गई थी, तो फिर मानव कैसे इस बात की इच्छा रख सकता था कि यशिका पूरी तरह से सिर्फ उसकी हो जाए। सुबह होने पर मानव शार लेने के लिए बाथरूम में चला गया।
मानव ने अपना बाथरूम पहना और धीरे से एक बड़ी सी खिड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। बिना किसी हाव भाव के उसने लाइटर की मदद से एक सिगरेट जला ली और अगले ही पल उस कमरे में तंबाकू की गंध फैल गई। खिड़की के कांच में यशिका का अक्स देखकर मानव ने देखा कि यशिका खुद को पूरी तरह से सिकोड़ कर चुपचाप बिस्तर पर सोई थी। मानव बिस्तर के पास गया और एक कोने पर बैठ गया। अपना सर झुकाकर मानव यशिका को घूरने लगा और इस सोती हुई लड़की की अद्भुत खूबसूरती को गौर से देखने लगा। यशिका के गोरे फेस पर उसके बिखरे बाल बहुत सुंदर लग रहे थे। मानव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यशिका के बालों को अपने हाथ में पकड़कर उनसे आने वाली भीनी भीनी खुशबू को सूंघने लगा। एक गहरी सांस लेने के बाद मानव ने फिर से अपनी आंख खोली, क्योंकि यशिका के कहे हुए शब्द मानव के दिमाग में गूंजने लगे। तुमने तो आसानी से कह दिया मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन क्या तुम भी मेरे हो? अगर मैं तुम्हारी औरत हूँ तो फिर शिखा बजाज किसकी औरत है? क्या वो तुम्हारी औरत है और क्या तुम उसके हो? यशिका ने उससे इतने गुस्से में ये सब कहा कि उसे ये समझ आ गया कि जब वो यहाँ नहीं था तब कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ था। शिखा बजाज, क्या शिखा ने यशिका से कुछ कहा? मानव ने इस बात का बस अंदाजा लगाया था। लंदन जाने से पहले मानव ने यशिका के लिए बॉडीगार्ड्स की कुछ टीम अरेंज करवा दी थी, जो हर उस जगह पर जाते जहां यशिका जाती थी और उसकी रक्षा करते थे। जो रिपोर्ट उन बॉडीगार्ड्स ने मानव को दी थी वो तो यही थी कि यशिका पूरे समय प्रोडक्शन सेट पर अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी और इस बीच वो किसी भी दूसरे आदमी से नहीं मिली। जब यशिका सोकर उठी दोपहर का समय हो चुका था। खिड़की पर लगे सारे पर्दे अभी बंद थे। बेडरूम के ऐसे माहौल में यशिका का दम घुटने लगा। यशिका के बिस्तर पर उसके बाजू में कोई नहीं था। यशिका ने अपने दोनों हाथों से अपने चकराते हुए सर को पकड़ा और बिस्तर पर बैठ गई। अपने ऊपर से उस ब्लैंकेट को हटाकर यशिका ने देखा कि उसका शरीर एकदम साफ था और उसने एक बाथरूम पहन रखा था। यशिका के बिस्तर के बाजू में उसके लिए नए कपड़े रखे थे। वो सारे कपड़े यशिका के नाप के हिसाब से बिल्कुल सही थे। ये देखकर कि मानव बेडरूम में नहीं था, यशिका ने चैन की सांस ली और बिस्तर पर से उठने की कोशिश की, लेकिन मानव ने कल रात उसके साथ जो किया उसके बाद उसे हिलने डुलने में बहुत परेशानी हो रही थी। यशिका के शरीर के कुछ हिस्सों में तो बहुत स्वेलिंग आ गई थी। मुझे इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है, यशिका ने मन ही मन सोचा। और फिर यशिका को वो सब याद आया जो उसके और मानव के बीच कल रात हुआ। वो सब याद आते ही यशिका का फेस लाल हो गया। गुस्से से यशिका ने वो ब्लैंकेट हटाया जो ओढ़कर रखा था और अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से चलते हुए बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश की। यशिका के पूरे शरीर में बहुत दर्द था। यशिका खुद को संभाल नहीं पा रही थी। यशिका ने सहारे के लिए एक साइड टेबल पकड़ा और फिर जोर जोर से सांस लेकर अपने धड़कते हुए दिल को शांत करने की कोशिश की और फिर थोड़ी देर बाद बाथरूम में चली गई। आईने के सामने खड़े होते ही यशिका ने देखा कि उसकी गर्दन पर एक उभरा हुआ लाल निशान बना है। यशिका ने अपना बाथरूम निकाला और जो उसने देखा वो देखकर तो वो हैरान हो गई। उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। यशिका के साथ हम बिस्तर होते समय मानव कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गया था, जिसके कारण यशिका के शरीर पर इतने सारे चोट के निशान आ गए। नहा लेने के बाद यशिका ने जल्दी से कपड़े पहने और बेडरूम से बाहर आ गई। दरवाजे के बाहर नौकरों की कुछ कतार यशिका का इंतजार कर रही थी। मिस यशिका, गुड मॉर्निंग, वहाँ मौजूद सारे नौकरों ने यशिका से कहा। इतने सारे नौकरों को वहाँ स्वागत में खड़ा देख यशिका हैरान हो गई। यशिका ने देखा कि यूनिफॉर्म पहने कुछ नौकर अपने फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए दरवाजे के पास खड़े थे। इतने सारे नौकरों को वहाँ देख कर यशिका ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और हाथ अपनी गर्दन पर रखा ताकि वो अपने शरीर पर आए उन चोट के निशानों को उन लोगों से छिपा सके। उसके बाद क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट पॉकेट एफएम विद मी नेहा। पॉकेट एफएम पर आप है मेरे यानी कि नेहा के साथ और इस कहानी का अगला चैप्टर 364 स्टार्ट करते हैं। छोटे साहब जा चुके हैं, आपके लिए लंच तैयार है, उनमें से एक नौकर ने यशिका से कहा। डाइनिंग टेबल पर पहुंचते ही यशिका ने देखा डाइनिंग टेबल पर अलग अलग तरह का बहुत ही टेस्टी खाना रखा था, लेकिन मानव ने उसके साथ कल रात जो किया उसके बाद उसकी भूख कहीं गायब हो गई थी। यशिका को वो टेस्टी खाना भी बेस्वाद ही लग रहा था।
यशिका खाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को खाने के लिए मना लिया। वहां बजाज विला के अंदर जब मानव बजाज विला के अंदर पहुंचा तो उसने देखा उसके दादाजी महेश बजाज अपनी छड़ी अपने बाजू में रखकर अपनी सीट पर बैठे थे। शिखा बजाज जो महेश बजाज के बाजू में बैठी थी वो धीरे धीरे उनके कंधे दबा रही थी। अपने पोते मानव को देखते ही महेश बजाज का फेस अचानक से मुरझा गया। महेश बजाज की डरावनी और बाज के समान पैनी नजरें गुस्से से इस जवान आदमी को घूरने लगी। मानव ने अपने फेस पर एक मुस्कुराहट लाई और महेश बजाज से कहा, दादाजी। मानव ने अपने दादाजी के साथ बहुत इज्जत से पेश आया, लेकिन इस बीच उसके दादाजी गुस्से से उबलने लगे। कई बार गुस्से से अपनी छड़ी को जमीन पर पटकते हुए महेश बजाज ने मानव से कहा, तुम अभी भी मुझे अपना दादा कहने की हिम्मत कर पा रहे हो? महेश बजाज की बात सुनते ही मानव के फेस पर भी गुस्से के हाव भाव आ गए। कॉरिडोर से अंदर आते हुए जैसे ही मानव की नजरें शिखा पर पड़ी, उसके फेस का रंग उड़ गया। मानव इतने गुस्से से शिखा को देखने लगा कि डर के कारण शिखा के कंधे तक कांपने लगे। महेश बजाज लगातार मानव को गुस्से में घूर रहे थे, लेकिन मानव ने अपने गुस्से को कम करने की कोशिश की। मैंने सुना है तुम कल रात ही इंडिया वापस लौट आए, तो फिर तुम कल रात घर क्यों नहीं आए? तुम कहाँ गए थे? महेश बजाज ने मानव से पूछा। मानव ने अपनी नजरें महेश बजाज की तरफ फेरी और फिर शांत आवाज में उनसे कहा, दादाजी मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, तुम कल रात घर क्यों नहीं लौटे? महेश बजाज ने गुस्से से मानव से पूछा। ये बात बिल्कुल साफ थी कि महेश बजाज का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। महेश बजाज ने अपने पोते के कुछ भी बोलने से पहले एक मैगजीन उसकी तरफ फेंक दी। मानव ने हवा में उड़ती हुई इस मैगजीन को पकड़ने की कोशिश नहीं की, वो मैगजीन जाकर जमीन पर गिर गई। अभी उस मैगजीन का कवर पेज दिखाई दे रहा था। उस कवर पेज पर एक फोटो थी जिसे मीडिया ने फॉक्स एंटरटेनमेंट कंपनी के एनुअल फंक्शन के दौरान खींचा था। उस मैगजीन में यशिका की मुस्कुराती हुई तस्वीर छपी थी। हालांकि उस तस्वीर में यशिका के फेस का बाजू का हिस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन यशिका की खूबसूरती जाहिर करने के लिए उतनी तस्वीर काफी थी। ये औरत कौन है? महेश बजाज ने गुस्से से मानव से पूछा। मानव ने गुस्से से उस तस्वीर को देखा और फिर अपनी नजरें फेर ली और एकदम शांत रहा। शिखा जल्दी से महेश बजाज के पास गई और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी। दादाजी इतना गुस्सा मत कीजिए, ये लड़की अभी अभी शो बिजनेस में आई है, क्या एक मामूली सी एक्ट्रेस के लिए आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत है? शिखा मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। महेश बजाज ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी झुर्रियों से भरे हाथ से अपना फेस ढक लिया। इस लड़की के बारे में इतना खास क्या है? ये एक एक्ट्रेस है। फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस बस पैसे और शोहरत की भूखी होती हैं। इस तरह की औरतें कभी भी बजाज परिवार का हिस्सा नहीं बनेंगी। महेश बजाज ने गुस्से से मानव से कहा। दादाजी आप मानव के लिए परेशानी खड़ी मत कीजिए, हर हाल में मानव को कभी भी मुझ में दिलचस्पी आई ही नहीं, और अब तो मुझे सबकी आदत हो गई है। शिखा ने अपने फेस पर नाराजगी के हाव भाव लाए और महेश बजाज से ये सब कहकर दिखावा करने लगी, जबकि अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा खुश थी। जब महेश बजाज मेरी तरफ है तो वो यशिका वर्मा मेरा क्या बिगाड़ सकती है, शिखा ने मन ही मन कहा। जब तक महेश बजाज आसपास थे तब तक मानव कभी भी यशिका से शादी करके उसे बजाज परिवार में नहीं ला सकता था। अब शिखा को भी मानव की कोई फिक्र नहीं थी, मानव का दिल कभी भी शिखा का हुआ ही नहीं। शिखा मानव की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती थी। 6 साल पहले शिखा और मानव की जो एंगेजमेंट हुई थी उसे करने के लिए मानव ने सिर्फ इसीलिए हामी भर दी थी क्योंकि वो अपने दादाजी को खुश करना चाहता था। मानव बार बार शिखा से शादी इसीलिए टाल देता क्योंकि उसकी जिंदगी में शिखा की कोई अहमियत नहीं थी। यहाँ तक कि मानव ने कभी शिखा को हाथ तक नहीं लगाया, मानव ने कभी शिखा को उंगली तक नहीं छुई। इससे तो शिखा को ये साफ साफ पता चल गया था कि मानव के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि शिखा ने मानव के करीब जाने की कोशिश नहीं की। शिखा ने मानव को उत्तेजित करने की हर मुमकिन कोशिश की। वो तो एक बार बिना कपड़ों के भी मानव के सामने जाकर खड़ी हो गई, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। मानव उस वक्त गुस्से से शिखा को देखने लगा, उसने तो नजर भर उसकी खूबसूरती को देखा तक नहीं। शिखा बजाज परिवार की सिर्फ नाम की ही छोटी मालकिन थी, उसके पास इस खिताब के अलावा कुछ नहीं था। इसीलिए शिखा के लिए सबसे जरूरी चीज ये थी
कि वो कानूनी तरीके से इस खिताब को अपना बना ले और इसके लिए उसे जल्दी से जल्दी मानव से शादी करनी थी। लेकिन मानव तो शिखा से प्यार ही नहीं करता था, तो उसका क्या? शिखा मानव का दिल नहीं जीत पाई तो क्या हुआ? शिखा के पास अभी भी बहू नाम और किस्मत तो थी। अब शिखा को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। एक अमीर घर के लड़के से शादी करने के बारे में नाराज कर देने वाली चीज तो ये थी, लेकिन शिखा को तो तब भी चैन मिलता जब उसकी मानव के साथ शादी हो जाती। शिखा के दिमाग में क्या चल रहा था, महेश बजाज इस बात से बिल्कुल अनजान थे। शिखा का अकेलापन देखकर महेश बजाज ने गलती से ये समझ लिया कि शिखा बहुत कुछ सहन कर रही थी और शिखा के लिए उनके दिल में दर्द हुआ। महेश बजाज गुस्से से मानव को देखने लगे। मानव, देखा तुमने, तुम्हारे इतने बुरे व्यवहार के बावजूद भी शिखा तुम्हारे लिए क्या क्या कर रही है। मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस औरत के साथ खेल रहे हो या नहीं। मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ और मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। उस एक्टिंग इंडस्ट्री में कोई भी औरत अच्छी नहीं। ऊपर से देखने पर वो औरतें बहुत मासूम होती हैं, लेकिन तुम ये बात समझ जाओ कि वे बहुत ज्यादा घटिया औरतें हैं। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि शिखा की जगह पर कोई भी दूसरी औरत तुम्हारी बीवी ना बने। महेश बजाज की इस बात का मजाक उड़ाते हुए मानव जोर जोर से हंसने लगा। बीवी? महेश बजाज मानव की आंखों में मजाक के हाव भाव नहीं देख पाए। शिखा के समझाने पर महेश बजाज अब थोड़े शांत हुए। अगर तुम्हें कोई औरत इतनी पसंद है तो तुम उसे दूसरी बीवी बनाकर उससे शादी कर सकते हो। अगर वो लड़की एक इज्जतदार खानदान से होगी तो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कौन सी औरत हमारे नाम, पैसे, रुतबे के पीछे नहीं भाग रही। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी लड़की बजाज परिवार में कदम रखे। हमारी शोहरत, रुतबे और पैसे के पीछे, क्या यशिका को हमारी शोहरत और पैसे के पीछे भागने की कोई जरूरत है? मानव ने मन ही मन सोचा। मानव तो ये तक सोच रहा था कि क्या उसका बेटा ऋषु बजाज परिवार में कभी खुश रह पाएगा या नहीं। वो लड़का 7 साल की एक छोटी सी उम्र में एक बिजनेस एम्पायर का मालिक है। ऋषु ने एक बार मानव को बताया था कि जितना भोला भाला वो दिखता है वो है नहीं। अचानक से ऋषु की वो जिद मानव के दिमाग में गूंजने लगी। मानव बजाज, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, मेरी मम्मी मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। अगर तुम्हें सचमुच मेरी मम्मी की इतनी ही चिंता है तो तुम्हें अपना हर काम कानूनी ढंग से करना पड़ेगा। ऋषु बस यही चाहता था कि मानव उसकी माँ यशिका को सबके सामने अपनी पत्नी मान ले, बस उसके लिए यही काफी था। इसके बाद क्या होता है जानेंगे अगले चैप्टर में। सुनते रहिए पॉकेट FM विद मी नेहा। यू आर लिसनिंग पॉकेट FM, मैं हूं नेहा और कहानी का चैप्टर नंबर 365 स्टार्ट करते हैं। लेकिन यशिका एक घर भी चाहती थी, इसीलिए मानव उसे एक घर भी देगा, एक ऐसा घर जिसमें चारों लोग रहेंगे, यशिका, मानव और उनके दोनों जुड़वा बेटे। इसके साथ ही मानव का छोटा बेटा ऋषु उससे भी कहीं ज्यादा काबिल था। इतनी कम उम्र में वो अरबों रुपए का मालिक बन चुका था, इसीलिए क्या उसे बजाज परिवार के पैसों में कोई भी दिलचस्पी होती? मानव ने अपने होंठ खोले और ये गुस्सैल शब्द कहे। दादाजी, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। महेश बजाज को मानव की बात समझ नहीं आई। महेश बजाज की बाज जैसी पैनी नजरें अचानक से सिकुड़ गईं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे कौन सी गलतफहमी हो गई है? महेश बजाज ने मानव से पूछा। ये औरत यशिका, यही मेरी बीवी बनेगी। ये औरत जिस पर मेरी नजर आ गई है वही बजाज परिवार की अगली छोटी मालकिन होगी, मानव ने अपने दादाजी महेश बजाज से कहा। क्या? मानव की बात सुनकर महेश बजाज गुस्से से उबलने लगे। असल में किसी भी और चीज से ज्यादा उन्हें मानव का ये फैसला सुनकर गुस्सा आया। मानव के दादाजी ने उसे एक छोटे बच्चे से जवान होते हुए देखा था। वो अपने पोते मानव को अच्छी तरह से जानते थे। उस घर में उनके अलावा कोई भी मानव को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था। मानव की परवरिश बहुत ही सख्ती से हुई थी, इसलिए मानव कम उम्र से ही एक जेंटलमैन बन गया था। मानव अमीर परिवार के उन जवान बिगड़ैल लड़कों के समान बिल्कुल नहीं था जो अपना पूरा समय पता नहीं कितनी लड़कियों के करीब जाने में और उनके साथ हम बिस्तर होने में बिताते थे। मानव तो हमेशा लड़कियों से दूर रहना पसंद करता था। महेश बजाज को तो यही लगा जैसे उनका ये चहेता पोता बस उस औरत के साथ खेल रहा था।
और उनका ये अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। जैसे ही मानव उस औरत से बोर हो जाता, वो इस मामले को वहीं रफा दफा कर देता। उन्होंने सचमुच ये कभी नहीं सोचा था कि उनका पोता घर आकर उन्हें ये बताएगा कि वो उस लड़की को लेकर इतना सीरियस है। यहाँ तक कि मानव ने महेश बजाज से ये तक कह दिया कि वो उस लड़की को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है कि वो उसे अपनी बीवी बनाना चाहता है और उन्हें ये बता रहा है कि उसकी नजरें उस औरत पर आ चुकी हैं। इस बात पर तो महेश बजाज को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अगर ये औरत एक अच्छे और अमीर परिवार से होती तो महेश बजाज उसे खुशी खुशी अपने घर की बहू बना लेते, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की किसी भी एक्ट्रेस के लिए बजाज परिवार में कोई जगह नहीं थी। महेश बजाज का फेस अब पूरी तरह से मुरझा गया। उनके पोते की तरफ गुस्से से उन्होंने देखा और वो जोर जोर से सांस लेने लगे। तुम बहुत ज्यादा निडर हो गए हो, क्या तुम मेरी भी बात नहीं सुनने वाले? मैंने तुम्हें चेतावनी दी है कि उस तरह की औरत बजाज परिवार में कभी नहीं आएगी, क्या तुमने मेरी बातों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया? महेश बजाज को समझाते हुए शिखा जल्दी से बीच में आई। दादाजी इतना गुस्सा मत कीजिए, आप तो जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री की सारी औरतें कितनी चालाक होती हैं। वो आसानी से अमीर आदमियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती हैं। और मानव तो बस अभी उस लड़की के साथ खेल रहा है। अगर वो सचमुच ये भी चाहता है कि वो लड़की उसकी बीवी बन जाए तो वो उसकी दूसरी बीवी बन सकती है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं, शिखा ने महेश बजाज से कहा। शिखा की बात सुनकर महेश बजाज और ज्यादा नाराज हो गए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं? शिखा मैं तुम्हें बहुत डांटूंगा, तुम्हारा दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है? अगर वो औरत बजाज परिवार में आएगी तो वो तुमसे तुम्हारे रुतबे के लिए लड़ेगी, तुम तो हमेशा से ही बहुत मासूम हो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी दूसरी औरत के झमेलों में पड़ो। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? लेकिन मुझे दर्द हो रहा है। शिखा ने अपने फेस पर एक बनावटी मुस्कुराहट लाई और महेश बजाज से कहा, मानव उस औरत को पसंद करता है और इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल सच है कि मैं चाहती हूँ कि मानव मुझसे ज्यादा प्यार करे, लेकिन मैं उसे मजबूर तो नहीं कर सकती ना। शिखा पर नजर पड़ते ही मानव खतरनाक तरीके से उसे देखने लगा। मीठी मीठी बातें करना तो शायद शिखा पैदा होते ही सीख गई थी। शिखा के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द शहद से भी ज्यादा मीठा था। महेश बजाज शिखा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। शिखा के लगातार समझाने पर अब महेश बजाज का गुस्सा शांत हो गया। इस बात में कोई शक नहीं था कि महेश बजाज शिखा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शिखा भी इस बूढ़े आदमी की बहुत देखभाल करती थी। अब इस उम्र में महेश बजाज के पास जवान आदमी की तरह ताकत तो नहीं थी। बाकी बूढ़े लोगों की तरह महेश बजाज प्यार और दोस्ती के भूखे थे। उनका पोता मानव, जो हमेशा ऑफिस के मामलों में उलझा रहता, वो घर आकर उसके साथ बहुत मुश्किल से समय बिताता। और अगर बात मोहन की जाती तो पता नहीं किन कारणों से, लेकिन मोहन महेश बजाज से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। इसलिए बस एक शिखा ही थी जो हमेशा महेश बजाज के करीब रहती थी। शिखा ने अपना बहुत समय और प्यार महेश बजाज को दिया था। इससे खुश होकर महेश बजाज ने शिखा को मानव फाइनेंशियल ग्रुप में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना दिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक इम्पोर्टेंट डिसीशन मेकर भी। बजाज एम्पायर में मानव के बाद अगर किसी को कोई भी फैसला लेने का हक था तो वो था शिखा बजाज को। लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी शिखा इस बात पर ध्यान रखती थी कि वो अपना काम जल्दी खत्म करे, क्योंकि वो घर आकर महेश बजाज को समय देना चाहती थी। महेश बजाज भी पूरी तरह से शिखा पर निर्भर थे, क्योंकि महेश बजाज मिताली बजाज को पूरी तरह से याद करते थे, इसीलिए वो अपनी सारी इच्छाएं शिखा को बता देते। महेश बजाज शिखा को बहुत चाहते थे। महेश बजाज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए उन्हें रोज कई तरह की मेडिसिन लेनी पड़ती थी और इससे वो बहुत नाराज होते। कभी कभी जब खराब हालत को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान होते तो वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा बर्ताव और गुस्सा करते, यहाँ तक कि दवाइयाँ खाने से मना कर देते। तब शिखा उन्हें समझा बुझा कर मनाती थी और आखिर में वो दवाइयाँ ले लेते थे। शिखा के प्यार से मनाने पर महेश बजाज उसे मना नहीं कर पाते थे और शिखा इसका पूरा फायदा उठाती थी। मानव अभी भी गुस्से से शिखा को देख रहा था। मानव के फेस पर जो गुस्सेल मुस्कुराहट थी वो अभी भी उसके फेस पर बरकरार थी। महेश बजाज ने सोचा कि शिखा का दिल सचमुच इतना बड़ा था कि वो मानव को दूसरी शादी से भी रोक नहीं रही थी और उनका गुस्सा मानव पर फूट पड़ा। पसंद? इस बेवकूफ लड़के को क्या पता कि पसंद क्या होती है? क्या शादी बस प्यार पर निर्भर करती है?
शिखा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक दादाजी हैं मैं इसे उस औरत को घर में नहीं लाने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो, महेश बजाज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। दादाजी मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ, मानव ने गुस्से से महेश बजाज से कहा। अपने पोते मानव की बात सुनने का महेश बजाज का बिल्कुल मन नहीं था। ये सब क्या है, महेश बजाज ने गुस्से से कहा। महेश बजाज धीरे धीरे अपनी लकड़ी के सहारे से चलते हुए जाकर अपनी चेयर पर बैठ गए। अभी भी मानव के फेस पर वही गुस्सा बरकरार था। मानव ने महेश बजाज से कहा, मैं शिखा के साथ अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता हूँ। क्या? मानव की बात सुनते ही महेश बजाज बहुत हैरान हो गए। उन्हें मानव की इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने गुस्से से मानव से पूछा, तुमने अभी अभी क्या कहा? मेरी बात एकदम साफ है, मैं इसके साथ अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता हूँ। महेश बजाज के गुस्से का मानव पर बिल्कुल असर नहीं हुआ और उसने दोबारा से अपनी वही बात दादाजी से कह दी। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ, बिना कुछ सोचे समझे महेश बजाज ने मानव की बात मानने से इनकार कर दिया। अब तो महेश बजाज गुस्से से उबलने लगे। मैं नहीं जानता कि वो कौन सी घटिया लड़की है जिसने तुम्हें शिखा से एंगेजमेंट कैंसिल करने को मजबूर किया। तुम सच मुझे घटिया लड़के हो, महेश बजाज ने अपने पोते मानव से कहा। महेश बजाज की बात सुनकर मानव गुस्से से उनकी तरफ देखने लगा। उसने महेश बजाज से कहा, दादाजी अगर आपको ये लड़की इतनी पसंद है तो आप इसे अपने लिए क्यों नहीं रख लेते? ये बात सुनकर महेश बजाज को और ज्यादा गुस्सा आया। अपनी बकवास बंद करो, शिखा से छुटकारा पाने का ये तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया, महेश बजाज ने गुस्से से मानव से कहा। अपने दादाजी की बात सुनकर मानव भी बहुत गुस्से में आ गया। उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट पॉकेट FM विद मी नेहा। हेलो, आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉकेट FM, मैं हूं नेहा आपके साथ और इस कहानी का चैप्टर नंबर 366 स्टार्ट करते हैं। अपने दादाजी की बात सुनकर मानव बहुत गुस्से में आ गया। पहले तो उन दोनों के बीच की बहस यहीं आकर रुक जाती। मानव कभी भी अपने दादाजी की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाता था, लेकिन आज सब कुछ बहुत अलग हो रहा था। इसके जवाब में मानव ने महेश बजाज से कहा, दादाजी ये सच है, आप मुझे एक ऐसी औरत से शादी करने को मजबूर कर रहे हैं जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, तुम इस तरह से शिखा की बेइज्जती नहीं कर सकते, महेश बजाज ने मानव से कहा। अपने पोते की निडरता को महेश बजाज गुस्सैल नजरों से देखने लगे। तुम बहुत ही घटिया लड़के हो, अब तुम मेरी बातों के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम इस परिवार के नियम को मानने से इनकार कर रहे हो? अब ये लड़का मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रहा है, अब इसे मेरी इच्छाओं की कोई परवाह नहीं है। ये तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़कर उस औरत से शादी करने की बात कैसे कर सकता है, महेश बजाज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। महेश बजाज ने सहारे के लिए पास रखे टेबल को पकड़ लिया। उनकी आंखें लगातार अपने पोते को गुस्से से देख रही थीं। शिखा और मानव की शादी करवाना महेश बजाज की इच्छा थी और किसी को भी उसे कैंसिल करने का कोई हक नहीं था। ये हक उनके चहेते पोते को भी नहीं था। मानव बिना किसी हाव भाव के अपने दादाजी से नजरें मिलाकर उन्हें घूरने लगा। जब उसने देखा उसके दादाजी किस तरीके से शिखा की तरफ से उसे इतना कुछ बोल रहे थे और एंगेजमेंट तोड़ देने वाली बात सुनकर वो कितने नाराज हो गए थे, मानव का ये शक यकीन में बदल गया कि शिखा महेश बजाज के बहुत ज्यादा करीब आ गई थी। ये सिर्फ घर के किसी बड़े सदस्य का अपने बच्चे के लिए प्यार नहीं था, बल्कि शिखा तो अब उनके लिए अपनी जान से भी ज्यादा जरूरी हो गई। मिताली बजाज, चाहे जो भी हो, महेश बजाज आज तक इस औरत को नहीं भूल पाए। महेश बजाज अपनी बेटी को इतना ज्यादा याद करते थे कि वो उसका खिलौना हमेशा अपने हाथ में रखते थे। मिताली के जवानी के दिनों में कई फोटो महेश बजाज के बेड के बाजू में टेबल पर सजा कर रखे हुए थे। ये सारी चीजें उस कहानी को बयां कर रही थी कि महेश बजाज अपनी बेटी मिताली बजाज को कितना चाहते थे। मानव ये बात बिल्कुल नहीं जानता था कि मिताली बजाज किस तरह की औरत थी जिसने उसके पिता और उसके दादाजी दोनों को अपने लिए पागल कर दिया था। मानव के पिता केशव बजाज के बारे में ये अफवाह थी कि वो मिताली बजाज से प्यार करते थे।
शहर की इस मशहूर बार सिंगर मिताली बजाज की केशव बजाज ने बहुत खुशामद की कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन मानव के दादाजी महेश बजाज ने अपने बेटे पर बिल्कुल दया नहीं की और उसकी इच्छाओं को वहीं मार दिया। अमीर सिंघानिया परिवार की बेटी नीलिमा सिंघानिया और केशव बजाज की एंगेजमेंट हो चुकी थी और अगर केशव बजाज कोई भी गलती करता तो उस वक्त बजाज परिवार खतरे में आ जाता। इसके साथ साथ मानव के दादाजी पुराने ख्यालों के इंसान थे, वो नाचने गाने वाली लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और महेश बजाज ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक बार सिंगर से शादी कर ले। आखिर में केशव बजाज को अपने पिता महेश बजाज की बात माननी पड़ी, लेकिन उसने अपने पिता के सामने ये शर्त रखी कि वो हमेशा मिताली बजाज की मदद करें और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखें। महेश बजाज ने अपने बेटे केशव बजाज की बात मानी। इसके बाद महेश बजाज ने मिताली बजाज को घर, रुपया, पैसा सब कुछ दिया। पहले पहले तो महेश बजाज मिताली पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे और उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन मिताली हर वक्त बजाज परिवार का शुक्रिया अदा करती थी कि उसके बुरे दिनों में बजाज परिवार ने इतनी मदद की। जब भी मिताली बजाज विला में जाती वो महेश बजाज की बहुत सेवा करती और धीरे धीरे महेश बजाज के दिल से मिताली के लिए नफरत खत्म हो गई। जब एक बार महेश बजाज की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो मिताली उनकी देखभाल करने के लिए बजाज विला आ गई और अपनी पूरी शक्ति से उनकी सेवा करने लगी। एक बार जब परिवार के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे तो महेश बजाज के मुंह से गलती से ये बात निकल गई कि मिताली उनकी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। ये बात सुनते ही पूरा परिवार और साथ ही मिताली भी बहुत चौंक गए। मिताली के मन में महेश बजाज के लिए इज्जत के अलावा कुछ नहीं था। महेश बजाज की बात सुनते ही उनका बेटा केशव बजाज उनके खिलाफ आवाज उठाने लगा। हालांकि महेश बजाज का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो मिताली को अपनी पत्नी बनाते, ये बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। इस गलतफहमी के कारण केशव बजाज और महेश बजाज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। थोड़े ही दिनों बाद मिताली बजाज ने महेश बजाज को बताया कि वो किसी से प्यार करती है, यहाँ तक कि वो उस आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। महेश बजाज ने इस सच्चाई को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में उन्होंने मिताली से उस बच्चे को अबॉर्ट करने को कहा। मिताली ने बच्चा अबॉर्ट करने से मना कर दिया और बिना कुछ कहे बजाज परिवार से चली गई और तब से ही बजाज परिवार को उसका कोई भी अता पता नहीं था। मानव बजाज को ये बात पता चली कि जिस एक्सीडेंट में मिताली बजाज की मौत हुई वो असल में एक माफिया ने करवाया था, लेकिन ये पूरा सच नहीं था। अपनी जांच के दौरान मानव के सामने और भी कई राज खुले। महेश बजाज जिन्होंने मिताली बजाज के उसकी जिंदगी से चले जाने के बाद उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, उन्होंने मिताली को ढूंढने के लिए आर्मी के भी कई जवान लगा दिए। वो हर हाल में ये पता करना चाहते थे कि मिताली बजाज कहाँ थी। महेश बजाज ने उन आदमियों को ये ऑर्डर दिया था कि उन्हें मिताली बजाज जिंदा चाहिए, लेकिन उन्होंने उन आदमियों से मिताली के सारे बच्चों को खत्म कर देने के लिए कहा। महेश बजाज मिताली बजाज के सारे नाजायज बच्चों को मार देना चाहते थे। महेश बजाज नहीं चाहते थे कि मिताली के नाजायज बच्चे कभी भी बजाज परिवार में कदम रखें। जिस एक्सीडेंट में मिताली की जान गई उस समय वो महेश बजाज के आदमियों से ही भागने की कोशिश कर रही थी। एक पुरानी कहावत है, सुंदर औरतों की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती। उस एक्सीडेंट के बाद से ही मिताली बजाज के दो बच्चों का कहीं कोई अता पता न चला। एक्सीडेंट साइट पर उन दोनों बच्चों की लाशें भी नहीं मिली। जब महेश बजाज को मिताली की मौत की खबर मिली वो पूरी तरह से टूट गए। मिताली की मौत से महेश बजाज को बहुत बड़ा झटका लगा और अगले 5 साल तक वो बहुत बीमार रहे। इन 5 सालों में महेश बजाज बिस्तर से नहीं उठ पाए, वो लगातार मिताली को याद करके रोते रहते थे। जैसे ही वो ठीक हुए उन्हें एहसास हुआ कि मिताली की मौत की भरपाई करने के लिए उनके दोनों बच्चों को ढूंढकर उन्हें अपने पास लाना चाहिए। और ऐसे ही 15 साल पहले महेश बजाज गलती से शिखा को बजाज परिवार में ले आए। महेश बजाज के लिए शिखा बहुत खास थी। अपना जो प्यार और देखभाल वो मिताली को नहीं दे पाए वो ये सब इस लड़की को देना चाहते थे। जब मानव बहुत छोटा था तब एक दिन हॉल से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि जब शिखा हॉल में रखी पलंग पर लेटी थी तो उसके दादाजी शिखा के बाजू में बैठकर उसके फेस को देख रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में वो शिखा के फेस पर आने वाली लटों को हटा दे और उनका झुर्रियों से भरा हाथ प्यार से शिखा के गालों को सहलाता। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें शिखा में मिताली दिखने लगी थी। मानव बजाज अच्छी तरह से जानता था कि उसके दादाजी
उसकी शिखा से शादी सिर्फ इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि वो शिखा को बजाज परिवार से दूर नहीं जाने देना चाहते थे। लेकिन अब मानव के ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ यशिका थी। मानव शिखा के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ने पर डट गया था। मानव धीरे से अपनी सीट पर से उठा और उसने अपने दादाजी के गुस्सेल फेस की तरफ नहीं देखा। मानव ने अपने फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट लाई और महेश बजाज से कहा, दादाजी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते। मैंने अपना मन बना लिया है और एक दिन परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा करके मैं उन्हें भी ये बात बता दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कहते हुए महेश बजाज ने अपनी छड़ी जोर से पटकी और खड़े हो गए। जिस हाथ में उन्होंने वो छड़ी पकड़ रखी थी वो बुरी तरह कांप रहा था। उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM विद मी नेहा। आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉकेट FM, मैं हूं नेहा आपके साथ और इस कहानी का चैप्टर नंबर 367 स्टार्ट करते हैं। महेश बजाज गुस्से से अपने पोते की तरफ देख रहे थे और उन्होंने मानव से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारी शादी शिखा के अलावा किसी भी लड़की से नहीं होगी। मैं तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ने वाली बात पर कभी भी राजी नहीं होने वाला। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम अपने कहे गए शब्द वापस ले लो। मानव ने अपने दादाजी को जवाब देते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, इस बार मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगा। इतना कहकर मानव सीढ़ियों की तरफ चला गया। अपने पोते की बात सुनकर महेश बजाज को इतना ज्यादा गुस्सा आया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब उनका झगड़ा खत्म भी हो गया था और मानव ने महेश की बात मानने से इनकार कर दिया था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक औरत, उसके लिए मानव ने अपने दादाजी का ऑर्डर मानने से मना किया। बहुत ज्यादा गुस्से में होने के कारण महेश बजाज ने वो छड़ी अपने पोते की पीठ पर मार कर फेंक दी। वो छड़ी हवा से गुजरते हुए सीधे मानव की पीठ से टकराई। मानव ने अपने बढ़ते कदम रोके और धीरे से अपना फेस अपने दादाजी की तरफ करके उन्हें गुस्से से देखा। शिखा ये सब देखकर बहुत हैरान हो गई। उसने देखा महेश बजाज और मानव दोनों के ही फेस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो जल्दी से महेश बजाज की मदद करने के लिए चली गई जो लगातार कांप रहे थे। महेश बजाज ने शिखा को एक तरफ धक्का दिया और अपने पोते के पास चले गए। मानव को उंगली दिखाते हुए महेश बजाज ने उससे कहा, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने ये एंगेजमेंट कैंसिल की तो तुम्हें बजाज परिवार का वारिस कभी नहीं बनाया जाएगा। महेश बजाज के ये खतरनाक और ताकतवर शब्द बजाज विला के उस बड़े से मेन हॉल में गूंजने लगे। ये बात सुनकर शिखा भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसे आगे क्या कहना चाहिए। महेश बजाज ने सचमुच अभी मानव को धमकाने के लिए बजाज परिवार की विरासत का इस्तेमाल किया। शिखा इस बात को सुनकर हैरान तो थी लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश भी हो रही थी। आज से पहले शिखा को कभी ऐसा नहीं लगा लेकिन आज महेश बजाज की बात सुनकर शिखा को यकीन हो गया कि महेश बजाज उसके प्यार में अंधे थे और जब तक वो उनकी तरफ रहेंगे तब तक उसे मानव से कोई अलग नहीं कर सकता और वो जैसा चाहती है वैसा ही होगा। अपने दादाजी की धमकी सुनते ही मानव गुस्से में आ गया। अरे हाँ, वो इस मामले को इग्नोर कैसे कर सकता था। जब पहली बार महेश बजाज ने शिखा और मानव की शादी की बात कही थी तो उन्होंने पूरे परिवार को अपना ये इरादा बता दिया कि वो मानव को ही बजाज परिवार का अगला वारिस बनाने वाले हैं। मानव ये बात कैसे भूल सकता था कि उसे बजाज परिवार की विरासत अपनी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि इसलिए मिली थी क्योंकि उसके दादाजी की लाडली शिखा से वो एंगेजमेंट करने को तैयार हुआ। मानव ने भी शिखा से एंगेजमेंट करने के लिए हामी भर दी क्योंकि महेश बजाज ने उसे ये वादा किया कि अगर वो शिखा से शादी करता है तो उसे बजाज परिवार की पूरी विरासत मिल जाएगी। इसमें कोई शक नहीं था कि ये ऑफर बहुत फायदेमंद था। बजाज परिवार बहुत बड़ा था, उसमें कई सदस्य थे और सभी लोगों की दिलचस्पी भी अलग अलग थी। इसीलिए मानव को सारी प्रॉपर्टी का मालिक बना देना ये बजाज परिवार के कई लोगों को पसंद नहीं आया जिसके कारण बजाज परिवार अपने अंदर ही अंदर कई लड़ाई झगड़े करने लगा। बजाज परिवार के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सचमुच पुराने जमाने की किसी अदालत के समान था। अगर महेश बजाज के बाहरी रिश्तों को बाहर रख दिया जाता और उसके उन बच्चों की गिनती ना की जाती जो उसके नाजायज बच्चे थे तब ही महेश बजाज की पहले ही तीन पत्नियां थीं। इन तीनों पत्नियों ने उसे 5 बेटे और 3 बेटियां दी थीं। इन 5ों लड़कों में से उसे अपनी तीसरी बीवी सुषमा बजाज के बेटे से सबसे ज्यादा प्यार था।
उनके सारे बेटों में उनका ये बेटा उनके लिए सबसे ज्यादा प्यारा, काबिल और होनहार था। लेकिन बदकिस्मती से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि महेश बजाज का ये बेटा कितना भी काबिल क्यों न हो, महेश बजाज को ये नहीं लगता था कि वो बजाज परिवार का अगला वारिस बनने के काबिल था, क्योंकि वो उनकी तीसरी पत्नी का बेटा था। परंपरा के हिसाब से तो रईस खानदानों में परिवार का वारिस पहला लड़का ही बनता था। इसीलिए महेश बजाज ने सोचा कि उनकी पत्नी सुषमा बजाज का रुतबा इस काबिल भी नहीं था कि उसका बेटा बजाज परिवार का अगला वारिस बन जाए, क्योंकि केशव बजाज महेश बजाज की पहली पत्नी के बेटे थे। उन्होंने मन ही मन यही सोच लिया कि केशव बजाज ही बजाज परिवार का अगला वारिस बनेगा, जबकि अपने बाकी भाइयों के मुकाबले वो इतना काबिल नहीं था कि उसे बजाज परिवार का वारिस बना दिया जाता। लेकिन इससे पहले कि केशव बजाज को बजाज परिवार का वारिस बनाया जाता, बहुत कम उम्र में उनकी मौत हो गई और तब से ही बजाज परिवार का अगला वारिस कौन बनेगा ये मामला एक तरफ रख दिया गया। इस पूरे समय में बजाज परिवार का पूरा पावर महेश बजाज के पास था। महेश बजाज के थोड़े बूढ़े होते ही बजाज परिवार के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होने लगे। रईस खानदानों में ये बिल्कुल आम बात थी कि परिवार का वारिस बनने के लिए भाई ही भाई का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता। इसलिए महेश बजाज चाहते थे कि परिवार की सुख शांति और परिवार में होने वाले बेमतलब के झगड़ों को कम करने के लिए जल्द से जल्द किसी न किसी को बजाज परिवार का अगला वारिस बना दिया जाए। केशव बजाज की मौत के बाद अब महेश बजाज बजाज परिवार के वारिस बनने लायक अगले इंसान की तलाश कर रहे थे और उनकी नजर में मानव से बेहतर कोई नहीं था। मानव ने 14 साल की उम्र में ही अपने दादाजी का दिल जीत दिया। यहाँ तक कि महेश बजाज ये भी सोचते थे कि उनका ये पोता मानव घर के बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा बेहतर है। मानव बजाज भी बजाज परिवार में अपनी जगह सुरक्षित कर लेना चाहता था और जल्दी से जल्दी बजाज परिवार का वारिस बनना चाहता था। मानव के पिता की मौत तभी हो गई जब वो 14 साल का था और फिर इसके बाद इतने बड़े घर में वो और उसकी माँ अकेले ही अपनी देखभाल करते थे। अगर उनके पास ताकत नहीं होती तो कोई भी आसानी से उन्हें बेवकूफ बना देता और उन्हें बजाज परिवार से बाहर कर देता। अगर मानव बजाज की माँ नीलिमा बजाज का परिवार भी बजाज परिवार की तरह अमीर नहीं होता तो इस बात में कोई शक नहीं था कि जायदाद की इस लड़ाई में मानव को शहीद होना पड़ता। शिखा से शादी करने के लिए परिवार के सभी लोग मानव पर प्रेशर बना रहे थे और आखिर में मानव ने भी ये शादी करने के लिए हामी भर दी और बजाज परिवार का अगला वारिस बन गया। 18 साल की उम्र में ही मानव ने बजाज ग्रुप के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया और जब वो 20 साल का हुआ उसने बजाज ग्रुप की बागडोर अपने हाथ में ले ली। जैसे ही 9 साल पहले वो बजाज ग्रुप का चेयरमैन बना, उसने पूरी तरह से अपनी ताकत और रुतबे को सुरक्षित कर लिया। अब ताकतवर मानव फाइनेंशियल ग्रुप उसके पूरे कंट्रोल में था। मानव के बिना बजाज ऑर्गेनाइजेशन रातों रात गिर सकता था और मानव फाइनेंशियल ग्रुप इतना बड़ा खामियाजा नहीं उठा सकता था। अरे अब तो दादाजी अपनी विरासत की धमकी देकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो इन पर बहुत हंसी आ रही है। क्या दादाजी को अभी ऐसा लगता है कि अभी जो मेरा रुतबा और काबिलियत है उसके बाद भी मुझे बजाज परिवार का वारिस बनने में कोई दिलचस्पी होगी, मानव ने मन ही मन सोचा। अब मानव 15 साल पहले वाला वो मानव नहीं था। मानव पीछे मुड़ा और गुस्से से महेश बजाज को देखने लगा। जैसे ही महेश बजाज ने ये सोचा कि उनकी धमकी ने उनके पोते पर काम कर दिया होगा और अब तक वो उनकी इच्छा मानने को तैयार हो गया होगा, मानव ने बिना किसी हाव भाव के गुस्से में कहा, आप जिसे चाहे उसे पूरे बजाज परिवार की विरासत दे सकते हैं। ये तो बिल्कुल साफ था कि महेश बजाज ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें मानव से ये सब सुनने को मिलेगा। मानव की बात सुनते ही महेश बजाज की आंखों में और ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने मानव से कहा, तुमने अभी अभी क्या कहा? मेरी बात एकदम साफ है, मानव ने अपने दादाजी से कहा। मानव थोड़ा मुस्कुराया, फिर अपने महेश बजाज का मजाक उड़ाते हुए कहा, दादाजी अब आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लगता है आपको अब सुनाई भी देना कम हो गया है। घटिया लड़के, अब तो तुम सचमुच झगड़े पर उतारू हो गए हो। महेश बजाज मानव की बात सुनकर इतना ज्यादा भड़क गए कि उनके सीने में बहुत तेज दर्द उठने लगा। गुस्से के कारण अब उनका फेस लाल हो गया। उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM विद मी नेहा। हेलो, आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉकेट FM।
मैं हूं नेहा आपके साथ और इस रोमांटिक स्टोरी का चैप्टर नंबर 368 स्टार्ट करते हैं। गुस्से के कारण अब उनका फेस लाल हो चुका था। क्या उस मामूली सी औरत के लिए तुम बजाज परिवार की विरासत को छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम उस औरत के लिए अपना सब कुछ गवा देने को तैयार हो? याद रखो, आखिर में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, महेश बजाज ने गुस्से से चिल्लाते हुए मानव से कहा। मानव ने महेश बजाज की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उनसे कहा, अगर मैं यहाँ से चला गया तो बजाज ग्रुप कहीं का नहीं रह जाएगा। मानव की आवाज सुनकर महेश बजाज खतरनाक तरीके से उसे देखने लगे। ये लड़का तो सच बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगा है, महेश बजाज ने गुस्से से कहा। अपने पोते की तरफ गुस्से से देखकर महेश बजाज अपने पोते के बर्ताव और स्वभाव के बारे में सोचने लगे। महेश बजाज अपने पोते को अच्छी तरह से जानते थे। मानव हमेशा से बहुत जिद्दी था और उसने किसी की भी धमकियों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, लेकिन महेश बजाज का ये मानना था कि अपना बुरा भला सोचने के लिए मानव अभी बहुत छोटा था। क्या मेरा ये पोता सचमुच ये सोच रहा है कि अगर ये बजाज परिवार से चला जाएगा तो बजाज ग्रुप सचमुच गिर जाएगा? महेश बजाज की सोच ऐसी नहीं थी, लेकिन अपने पोते की बात सुनकर महेश बजाज थोड़े दंग रह गए। मानव ने बहुत कम उम्र में ही बजाज परिवार में अपने दादाजी महेश बजाज की जगह ले ली। जब तक महेश बजाज को यह एहसास हुआ, मानव तब तक शहर का मशहूर और जाना माना इंसान बन चुका था। अब तो महेश बजाज को यह सोचकर डर लग रहा था। उसकी लड़ाई के दौरान महेश बजाज ने मानव की बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन अब ये ध्यान लगाकर बातें सोच रहे थे कि मानव के हाथों में अभी कितना ज्यादा पावर था। महेश बजाज का फेस अचानक से मुरझा गया। मानव को बजाज परिवार की विरासत ना देने वाली बात उन्होंने ऐसे ही कह दी थी। वो ऐसा कुछ करने के लिए इतना ज्यादा सीरियस नहीं थे। ऐसा तो उन्होंने सिर्फ मानव को डराने के लिए कहा था, लेकिन उनका ये दांव तो उन पर ही भारी पड़ गया। मानव के गुस्से के सामने वो बिल्कुल नहीं टिक पाए। मानव ने अपने फेस पर गंभीर हाव भाव लाए और महेश बजाज से कहा, एक और बात दादाजी, वो कोई मामूली औरत नहीं है, ये वो औरत है जिस पर मेरी, मानव बजाज की नजर है। प्लीज अपनी इस बात को ठीक कर लीजिए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मानव की वो सेल नजरें शिखा पर पड़ी, जो अपने फेस पर अजीब से हाव भाव लेकर बाजू में खड़ी थी, और उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दादाजी उसकी तुलना यहाँ खड़ी इस लड़की से करके आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप इस बेईमान लड़की से मेरी शादी करवा कर कुछ गलत कर रहे हैं? कौन सी बेईमानी? महेश बजाज ये कहकर गुस्से से मानव को देखने लगे। शिखा कैसे झूठी और बेईमान हो सकती थी, महेश बजाज ने मन ही मन सोचा। क्या ऐसा नहीं है दादाजी, क्या आपको इस बात पर पूरा यकीन है कि ये वही औरत है जिसे आप बजाज परिवार में लेकर आना चाहते थे? मानव ने महेश बजाज से पूछा। अब तो महेश बजाज का फेस पूरी तरह से मुरझा गया। शिखा का मुरझाया हुआ फेस देखकर मानव ने महेश बजाज से कहा, इस लड़की को अच्छी तरह से देखिए, इसकी और उस औरत जिसे आप पसंद करते थे, क्या इन दोनों के बीच में आपको कुछ भी एक समान दिखाई देता है? शिखा ने मानव के फेस पर आया गुस्सा देखा और उसका दिल अचानक से जोर जोर से धड़कने लगा। लोगों के हाव भाव पढ़ने में अब शिखा को महारत हासिल हो गई थी। मानव का फेस एक बार देखकर ही शिखा को ये बात समझ आ गई कि अब मानव ने अपना धीरज खो दिया है। जैसे ही मानव के वो शब्द महेश बजाज के कानों में पहुंचे, उन्होंने अपनी नजरें अपने पोते से शिखा की तरफ फेर ली। महेश बजाज की आंखों में वो गुस्सा देखकर शिखा बहुत ज्यादा हैरान हो गई। अपने ख्यालों में खोई शिखा ने जल्दबाजी में एक कदम पीछे लिया और अपने कपड़ों को जोर से पकड़कर बेबस होकर जोर जोर से सांस लेने लगी। दादाजी, शिखा ने रोती हुई आवाज में कहा। शिखा की सीधी सादी और प्यारी आंखों ने महेश बजाज को फिर से असल दुनिया में वापस लाया और उन्होंने तुरंत ये बात मानने से इनकार कर दिया। ये नामुमकिन है, ये मिताली बजाज की ही बेटी है, महेश बजाज ने कहा। महेश बजाज ने शिखा का जो मैटरनिटी टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट में तो साफ साफ यही लिखा था कि उसका मिताली बजाज के साथ खून का रिश्ता था। उन दोनों के नैन नक्श एक दूसरे के समान बिल्कुल भी नहीं थे। क्या शिखा के झूठ का ये सबसे बड़ा सबूत नहीं था? मानव गुस्से से शिखा को देखने लगा। वो आगे कुछ बोलने ही वाला था कि इतने में शिखा ने प्यार से दादाजी ये शब्द कहकर उसे मात दे दी। शिखा के होंठ बंद थे, शिखा के फेस पर अभी नाराजगी के हाव भाव थे। शिखा बेबस होकर उस बूढ़े आदमी के पास गई और उसने उसका हाथ पकड़कर उनसे कहा,
क्योंकि मानव हमारी एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है तो आप रहने भी दीजिए। इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और मैंने भी ये बात मान ली है। वैसे भी मैं तो सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि दादाजी कभी भी मुझे इस घर से ना निकालें, नहीं तो मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मेरी तो बस यही इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करूं, मेरा बस। शिखा के मुंह से निकलने वाले अगले शब्द राज बनकर रह गए। इसके साथ साथ शिखा की आंखों से आंसू टपकने लगे। शिखा को बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी और धीरे से उसका हाथ उसके पेट में चला गया। महेश बजाज शिखा की हरकतों को बहुत गौर से देख रहे थे। उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया कि मानव की उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ने वाली बात सुनकर शिखा का दिल टूट गया था। इस सब के लिए महेश बजाज खुद को जिम्मेदार मान रहे थे। उन्हें शिखा के लिए बहुत दर्द हो रहा था। महेश बजाज ने अपना झुर्रियों से भरा हाथ शिखा के हाथ के ऊपर रखा और अगले ही पल शिखा के मोती के समान चमकते दो आंसू उन पर गिर गए। क्या बात, महेश बजाज ने शिखा से पूछा। दादाजी अब मैं क्या करूं, मेरे पेट में बलने वाले इस बच्चे का क्या होगा? ये कहकर शिखा ने जोर से अपना नीचे होंठ दबा लिया। शिखा ने अपने फेस पर मासूमियत का मुखौटा पहना और रोते हुए कहा, अब मैं और मेरा बच्चा क्या करेंगे? महेश बजाज शिखा की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुए। उनके फेस पर परेशानी के हाव भाव साफ देखे जा सकते थे। उन्हें नहीं मालूम था कि शिखा किस बच्चे के बारे में बात कर रही थी। शिखा की बात सुनकर मानव भी शिखा की तरफ गुस्से में देखने लगा। मानव शिखा की हर हरकत को बहुत गौर से देख रहा था और उसने देखा शिखा ने अपने पेट पर अपना हाथ रखा है। थोड़ी देर के लिए तो उसे समझ नहीं आया कि शिखा अब कौन सी चाल चल रही थी। शिखा के हाव भाव देखकर ऐसा लगा जैसे वो अभी बहुत दर्द में थी। शिखा की आंखें आंसुओं से भर गई थी और उसने अपनी दबी आवाज में महेश बजाज से कहा, दादाजी पहले मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा वेरिफिकेशन कराने के बाद आज मुझे ये गुड न्यूज पता चली। मैं आप सब लोगों को ये न्यूज देना चाहती थी, लेकिन। शिखा ने अपना फेस उठाया और मानव को देखने लगी। शिखा की आंखों में अभी गुस्सा और निराशा के अलावा कुछ नहीं था। मानव मुझे नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन मेरे पेट में पलने वाला ये बच्चा, क्या मानव इस बच्चे को भी नहीं चाहता? शिखा ने चिल्लाकर कहा। महेश बजाज ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुए। शिखा प्रेग्नेंट थी। क्या ये बात सच है कि शिखा मानव के बच्चे की माँ बनने वाली है? महेश बजाज ने मन ही मन सोचा। शिखा की ये बात सुनकर मानव की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका फेस जम गया। क्या ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? मानव ने मन ही मन सोचा। उसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना पॉकेट FM। मैं हूं नेहा। क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट पॉकेट FM विद मी नेहा। आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉकेट FM। मैं हूं नेहा आपके साथ और इस कहानी का चैप्टर नंबर 369 स्टार्ट करते हैं। ऐसा हो सकता था कि शिखा महेश बजाज के पोते मानव की बच्चे की माँ बनने वाली थी। उस बूढ़े आदमी ने जल्दी से शिखा की कलाई पकड़ ली। ये देखते ही उसके पोते के फेस पर डरे हुए हाव भाव आ गए। ये लड़की तो जन्म से ही बांझ थी ना, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो गया? क्या ये माँ बनने वाली है? मानव बजाज ने जब ये बात सुनी तो बुरी तरह से हैरान हो गया। ये बात सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका फेस मुरझा गया। ये औरत अब कौन सी नई चाल चलने वाली है? प्रेग्नेंट? मानव को तो याद नहीं था कि उसने शिखा को कभी भी हाथ लगाया हो, इसलिए उसने गुस्से से शिखा से कहा, ज्यादा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई दिखावा नहीं कर रही। शिखा ने जोर से चिल्लाकर उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा और बेचैन हालत में डरते हुए उन्हें समझा कर कहा, दादाजी मुझे भी इस बारे में आज ही पता चला है। मैं तो पहले आप लोगों को ये गुड न्यूज बताना चाहती थी, लेकिन मानव ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि हमारी एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है, और तब से ही ये गुड न्यूज एक बुरी खबर में बदल गई। लेकिन मैं सचमुच प्रेग्नेंट हूँ। मानव बजाज को एहसास हो गया कि शिखा कितनी ज्यादा बेशर्म हो सकती थी। अचानक से मानव को यशिका की याद आई और उसे याद आया कि किस तरीके से यशिका रो रो कर उससे सवाल पूछ रही थी।
अगर मैं तुम्हारी औरत हूँ तो शिखा बजाज का क्या? क्या वो भी तुम्हारी औरत है? और क्या तुम भी उसी के हो? शायद जब मैं लंदन गया था तब इस बेशर्म औरत शिखा ने या शिखा के सामने जाकर ये कहा होगा कि वो मानव के बच्चे की माँ बनने वाली है और उसकी बहुत बेइज्जती की होगी। याशिका ने उसकी बात पर यकीन कर लिया होगा, मानव ने मन ही मन सोचा। तो क्या यही कारण था याशिका ने उसका नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया और उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी और उसे इग्नोर कर रही थी? याशिका इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उसे खुद को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी। वो इतनी ज्यादा नाराज हो गई कि वो मानव को गंदा बोल रही थी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि याशिका ने उस धोखेबाज औरत शिखा की बातों पर यकीन किया। थोड़ी ही देर में मानव को पूरा मामला समझ आ गया, लेकिन उसका दिल अभी भी बहुत गुस्से में था। याशिका ने अफवाहों पर आसानी से यकीन कर लिया, लेकिन उसे मानव पर जरा भी यकीन नहीं था। याशिका को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। फिर भी मानव ने कभी नहीं सोचा था कि किसी की बातों पर याशिका इतनी जल्दी यकीन कर लेगी। ये सब तो शिखा की सोची समझी चाल थी। अगर शिखा सचमुच ये चाल चल रही तो ये तो बहुत खतरनाक था, क्योंकि शिखा चाल चलते हुए बहुत आगे तक जा सकती थी। मैंने कभी शिखा को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन फिर ये बेशर्मों की तरह ये क्यों दावा कर रही थी कि माँ बनने वाली है? मानव ने मन ही मन सोचा। शिखा को इस बात का डर क्यों नहीं था कि उस बच्चे के पैदा होते ही मानव पेटर्निटी टेस्ट करवा लेगा? ये सोचकर मानव की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो अचानक से बहुत डर गया। क्या शिखा ये प्लान कर रही थी कि वो उस बच्चे को भी जिंदा नहीं रहने देगी? अभी महेश बजाज शिखा की कमजोरी और बेबसी महसूस कर पा रहे थे। उन्हें इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर से पूरा खून बाहर निकल गया और उनकी मौत उनके सामने खड़ी हो। महेश बजाज धीरे से शिखा को समझाते हुए उसके पास चले आए। शिखा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दादाजी तुम पर पूरा यकीन करते हैं, आओ बैठ जाओ। महेश बजाज ने प्यार से शिखा को समझाया और उसे एक सोफे पर बिठा दिया और फिर खुद जाकर उसके बाजू में बैठ गए। जैसे ही उनकी हैरानी खत्म हुई उनके फेस पर एक चमक आ गई। शिखा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? प्रेग्नेंट होना तो अच्छी बात है, ये तो भगवान का वरदान है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, महेश बजाज ने शिखा से कहा। महेश बजाज ने धीरे से शिखा की पीठ तपाई और फिर अपने पोते मानव की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम ये क्या सोच रहे हो? शिखा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, क्या ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये दिखावा कर रही है, इससे ठीक से बात करो, तुम्हें तो एक जिम्मेदार आदमी बनना भी नहीं आता, ये सब सचमुच बहुत बेकार हरकतें हैं। महेश बजाज की बात सुनकर मानव बहुत गुस्से में आ गया। उसने गुस्से से महेश बजाज से कहा, दादाजी मैंने कभी भी शिखा को हाथ नहीं लगाया, अगर ये प्रेग्नेंट भी है तो ये बच्चा मेरा नहीं है। मानव की बात सुनते ही शिखा के रोंगटे खड़े हो गए। अपने फेस पर आए उन नाराजगी के हाव भाव को शिखा ने तुरंत दबा लिया और जोर जोर से रोते हुए कहा, दादाजी भूल जाइए, ये तो इस बच्चे को भी अपना मानने को तैयार नहीं हो रहा है, हमें हमारी शादी वाली बात भूल जानी चाहिए। मानव, तुम इस तरह से शिखा की बेइज्जती नहीं कर सकते, महेश बजाज ने गुस्से से मानव से कहा। बेटी, तुम्हारे लिए ये बच्चा कंसीव कर पाना आसान नहीं था, ये तो भगवान का वरदान है, तुम इससे छुटकारा पाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो, महेश बजाज ने शिखा से कहा। महेश बजाज अभी बहुत गुस्से में थे और इस सब का आरोप अपने पोते मानव पर लगा रहे थे। ए बेवकूफ लड़के, क्या तुम सचमुच अपने ही खून की तरफ पीट कर रहे हो? शिखा ने कितने दिल से तुम्हारी मदद की है और इस सब में तुम्हारी भी भलाई है, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने बच्चे को अपना नाम दे सको। अब शिखा प्रेग्नेंट, अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो फिर बच्चा किसका है? शिखा ने अपनी बेबस हालत लगातार महेश बजाज के सामने बरकरार रखी। ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि महेश बजाज ने शिखा की सारी बातों पर जरा भी शक किए बिना यकीन कर लिया। वो तो सोच रहे थे कि उनका पोता बेवकूफ था और खुद के बच्चे को ही अपना मानने से इनकार कर रहा था। मानव ही इस बच्चे का बाप, वो क्यों इसे नहीं अपनाएगा? महेश बजाज ने शिखा की तरफ देखते हुए कहा। शिखा महेश बजाज को देखने लगी। शिखा की आंखों में अभी आंसू थे और उसकी आवाज और उसका शरीर दोनों कांप रहे थे। ये सब देखकर महेश बजाज के सीने में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। उन्होंने जोर से शिखा को अपनी बाहों में लिया और प्यार से उसे समझाते हुए कहा, रोना बंद करो बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है,
दादाजी यहाँ हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सारे फैसले लूंगा, बस तुम अपनी हालत पर ध्यान दो और चिंता करना बंद करो। दादाजी, अपने मुरझाए हुए फेस से लगातार शिखा रोते हुए महेश बजाज की बाहों में चली गई। शिखा की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर महेश बजाज का दिल और ज्यादा टूट गया और उन्हें बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगा। मानव बहुत ज्यादा नाराज हो गया, उसने जोर से अपने होंठ बंद किए। उसके होंठों पर एक अजीब सी हंसी आ गई। ये औरत, उसकी एक्टिंग तो एकदम कमाल की है, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप आर्टिस्ट भी इसकी एक्टिंग के सामने कुछ नहीं है, मानव ने मन ही मन सोचा। अगर मानव को पहले से सच्चाई पता नहीं होती तो वो अभी शिखा के भोले भाले फेस पर आसानी से यकीन कर लेता, लेकिन अभी तो मानव मन ही मन सोच रहा था कि शिखा के पेट में पलने वाला बच्चा आखिर किसका था। इन सबको लेकर मानव अभी कुछ नहीं करना चाहता था। इन हालातों में जहां उसके दादाजी सिर्फ शिखा के कहे हुए शब्दों पर यकीन कर रहे थे, मानव के कितना भी समझाने पर महेश बजाज सच पर यकीन नहीं करते। मानव महेश बजाज को कुछ भी कहकर ये यकीन नहीं दिला सकता था कि वो बच्चा उसका नहीं था। अभी तो उसके दादाजी ने जोर से शिखा का हाथ पकड़ रखा था और उसे समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे थे। शिखा, अपना दिल छोटा मत करो, अगर ये तुम्हारे बच्चे को अपनाने से इनकार कर देगा तब भी बजाज परिवार इसे अपना नाम देगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है और अपने आंसू पोंछ लो, बस अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो, महेश बजाज ने शिखा को समझाते हुए कहा। शिखा ये बात जान गई थी कि बजाज परिवार में उसके दिन पूरे हो चुके थे, इसलिए बजाज परिवार में रहने का अपना समय आगे बढ़ाने के लिए शिखा ने इस बार इस चाल का इस्तेमाल किया। अपनी असली पहचान सभी से छिपाने के लिए शिखा को ये रिस्क तो लेना ही था। उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना पॉकेट FM विद मी नेहा। हेलो, आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉकेट FM, मैं हूं नेहा आपके साथ और इस कहानी का चैप्टर नंबर 370 शुरू करते हैं। शिखा ये बात जान गई थी कि मानव बजाज को उसकी असलियत के बारे में पता चल गया, लेकिन आखिर मानव ने ये सब पता कब किया था। चाहे जो भी हो, शिखा को अभी इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी थी। शिखा की आंखों के सामने उसकी असलियत सभी के सामने आ जाने वाली थी और ये एहसास होते ही शिखा ने अपनी प्रेगनेंसी का बहाना बना दिया, क्योंकि मानव को शिखा की असलियत का पता चल गया था, इसलिए वो बस ये कहकर ही महेश बजाज के सामने मानव को बदनाम कर सकती थी कि उसके पेट में पलने वाला ये बच्चा मानव का था। शिखा ये बात जानती थी कि ये बात पता चलते ही महेश बजाज खुश तो हो जाएंगे और उसके दावे को एकदम सच मान लेंगे और वो मानव और उसकी शादी जल्दी करवा देंगे। एक बार शादी हो जाने पर वो कानूनी तौर पर बजाज परिवार की छोटी मालकिन बन जाएगी और फिर इसके बाद छोटी मोटी सारी चीजें तो शिखा यूं ही ठीक कर सकती थी। शिखा को इस बात का बिल्कुल डर नहीं था कि मानव ने उससे शादी करने से इनकार क्यों किया। मानव और शिखा के बीच महेश बजाज हमेशा शिखा की तरफ से बोलते थे। हालांकि एक पैटर्निटी टेस्ट की जरूरत थी, लेकिन शिखा को यकीन था कि थोड़े दिन के लिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। शिखा ने उस समय का हिसाब लगाया जब उसने ये बच्चा कंसीव किया था और अरुण उसके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बने थे, जिससे उसे ये पता चला कि बस 5 हफ्तों में ही वो प्रेग्नेंट हो सकती थी, क्योंकि उस समय शिखा एकदम सेफ थी, इसका मतलब कि वो तब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। इसलिए सब हिसाब किताब करके शिखा को समझ आ गया कि वो बस 3.5 हफ्तों से ही प्रेग्नेंट थी। अगर मानव महेश बजाज के सामने उसकी असलियत भी लाना चाहता तो उसे महेश बजाज के सामने कोई ना कोई सबूत तो पेश करने ही पड़ते। पैटर्निटी टेस्ट मानव की इच्छा के हिसाब से यूं ही कभी भी नहीं लिया जा सकता था। अगर मानव इस बात की जिद भी करता तब भी महेश बजाज इस बात को नहीं मानते। ऐसा इसीलिए था क्योंकि यूट्रस में से पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए जिन फ्लूइड्स की जरूरत पड़ने वाली थी उसे सही समय आने पर निकाला जा सकता था। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत जल्दी कर दिया जाता तो शिखा का मिसकैरेज हो सकता था। पैटर्निटी टेस्ट के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही करवाया जा सकता है। महेश बजाज के लिए बजाज परिवार का वंश आगे बढ़ाना सबसे जरूरी चीज थी, इसलिए शिखा ये बात जानती थी कि महेश बजाज इस टेस्ट को करवाने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। जब तक महेश बजाज उसके आसपास थे तब तक अगले 2 महीनों के लिए शिखा को कोई परेशानी नहीं होने वाली थी।
इसका मतलब ये था कि आगे क्या करना है ये सोचने के लिए शिखा के पास अगले 2 महीने थे। अगले 2 महीने बाद शिखा आसानी से अपना नेचुरल मिसकैरेज करवा सकती थी। चाल चलने में शिखा हर वक्त मानव को मात देती आई थी, और फिर मानव के पास इस बात का कोई सबूत नहीं रह जाता कि वो बच्चा उसका नहीं था। अगर सब कुछ शिखा के प्लान के हिसाब से होता तो शिखा की सारी चिंताएं खत्म हो जाती। मानव जो अभी हॉल की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा था, उसने गुस्से से शिखा की तरफ देखा और उससे कहा, तुम्हारे पेट में पलने वाला ये बच्चा मेरा नहीं है। हम सच को सामने लाने के लिए पेटर्निटी टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते? शिखा ने ऊपर देखा और गुस्से से कहा, ठीक है, मैं ये भी करवा लूंगी। अगर तुम चाहते हो कि पेटर्निटी टेस्ट हो तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगी। मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं गलत नहीं हूँ। शिखा लगातार मानव की आंखों से आंखें मिलाकर उसे देख रही थी। शिखा के फेस पर शर्म और डर का एक कतरा नहीं था। कुछ हद तक तो शिखा मानव को चैलेंज दे रही थी। मानव लगातार शिखा को गुस्से में देख रहा था। इसी बीच महेश बजाज ने मानव को देखकर कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। महेश बजाज की तीसरी पत्नी सुषमा बजाज ने भी पहले यही टेस्ट करवाया था, और तब महेश बजाज को पता चला कि इस सब में बच्चे को भी नुकसान हो सकता था, यहाँ तक कि इसमें मिसकैरेज भी हो सकता है। हैरान होकर महेश बजाज जल्दी से खड़े हुए। उन्होंने मानव को बुरा भला कहना जारी रखा। ये सब सचमुच बहुत गलत है। अगर अभी ही टेस्ट कराया जाएगा तो ये बच्चा जिंदा कैसे रहेगा? क्या तुम पागल हो गए हो मानव? दादाजी, कोई बात नहीं, क्योंकि मानव पता करना चाहता है कि ये बच्चा इसका है या नहीं, तो फिर मैं ये टेस्ट कराने को तैयार हूँ। जो भी हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, शिखा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। महेश बजाज ने गुस्से से शिखा से कहा, बेवकूफ शिखा, तुम नहीं समझोगी, ये तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है, इसीलिए तुम नहीं जानती कि पेटर्निटी टेस्ट के दौरान तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर तुम अभी भी ये टेस्ट करवा लोगी तो तुम्हारे पेट में पलने वाला ये बच्चा मर जाएगा। शिखा ने अपने फेस पर ऐसे हाव भाव लाए जैसे वो अभी बहुत ज्यादा दुखी हो और उस पर कोई अत्याचार हो रहा था। और फिर उसने महेश बजाज से कहा, दादाजी, होने दीजिए मेरा मिसकैरेज, वैसे भी मानव इस बच्चे को अपनाना नहीं चाहता। अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो इसे ये बात पता चलेगी। इसके पिता इसे अपना बच्चा मानने से इनकार कर रहे थे तो इस बच्चे का दिल टूट जाएगा। शिखा की इस बात पर ध्यान मत दो, दादाजी कभी भी तुम्हें इतने खतरनाक हालातों से नहीं गुजरने देंगे। तुम बस अपने पेट में पलने वाले इस बच्चे का ख्याल रखो और बाकी चीजों की चिंता मत करो, महेश बजाज ने तुरंत शिखा को समझाते हुए कहा। शिखा ने अपने आंखों के कोनों पर आए आंसू पोंछे, अपना सर झुका लिया और महेश बजाज की बेवकूफी पर हंसने लगी। लेकिन शिखा की ये हंसी मानव की आंखों से नहीं बच पाई। अचानक से मानव के दिमाग में एक आइडिया आया और उसके फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मानव ने ये पता लगा लिया कि उस बच्चे का असली पिता कौन था। शिखा ने क्या कमाल की चाल चली थी। इसके लिए मानव शिखा को दाद देना चाहता था। ये सब करके शिखा समय बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। 3 महीने के बाद ये आसानी से अपना मिसकैरेज कर सकती है ना, मानव ने मन ही मन सोचा। अगर ये ऐसा सोच रही है तो फिर बहुत ही ज्यादा मासूम है। मानव इस सब के लिए पहले से तैयार था। 6 साल पहले जब शिखा और मानव की एंगेजमेंट हुई थी, तब से ही महेश बजाज उन दोनों की शादी करवाना चाहते थे। महेश बजाज नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी आगे बढ़े, क्योंकि वो जल्दी से उस परिवार को अगला वारिस देना चाहते थे। लेकिन शिखा बजाज परिवार की पूरी विरासत अपने नाम करवाने के लिए उन्हें एक मोहरे के समान इस्तेमाल कर रही थी। मानव ने अपने दादाजी की बात मानकर शिखा के साथ एंगेजमेंट की। मानव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी शादी शिखा के साथ होने वाली भी थी या नहीं, लेकिन मानव शिखा को हाथ लगाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ये बिल्कुल भी संभव नहीं था, इसलिए मानव ने शिखा के बारे में ये झूठी कहानी बना दी कि शिखा कभी माँ नहीं बन सकती, और आखिर में सभी ने मानव के इस दावे पर यकीन कर लिया। जब महेश बजाज ने शिखा के बांझपन के बारे में पता किया तो वो शिखा और मानव की शादी करवाने से हिचकिचाने लगे। चाहे जो भी हो, उन्हें इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था कि अगर ऐसा हुआ तो परिवार का वंश आगे कैसे बढ़ेगा, और उसके बाद उन दोनों की शादी बार बार आगे ही बढ़ती रही। शिखा ने भी इस खबर को सच मान लिया और इस बात पर पूरी तरह से यकीन कर लिया कि वो सचमुच ही बांझ थी। शिखा ये बात नहीं जानती थी कि इस पूरे समय वो मानव के इस खेल में सिर्फ एक मोहरा थी। चाहे जो भी हो, मानव के हाथ में शिखा की बेवफाई का सबूत था। मानव के पास एक वीडियो क्लिप और एक कैमरा फुटेज था जो ये साबित कर सकता था कि शिखा कितनी मासूम थी। ये औरत तो सचमुच बहुत मासूम है,
मानव ने मन ही मन कहा। अब शिखा मानव पर बहुत ही खतरनाक चाल चल रही थी। क्या शिखा सचमुच इतनी मासूम है कि उसे लगता है अगर मैं पेटर्निटी टेस्ट नहीं करवा पाया तो इसके अलावा इसकी बेवफाई का मैं कोई सबूत नहीं जुटा सकता, मानव ने मन ही मन कहा। उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा।